भाई आंसर तो अब हमारे पास होगा। लास्ट क्लास में हमने अरे टॉपिक क्या अरे स्टार्ट किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया था, ये सर, बेसिकली जो इसका एम था वो क्या था, याद है किसी को? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था कि डीएनए तुम्हें का क्या, सीक्वेंस चेक करना, वेरी सीक्वेंस गुड ऑफ डीएनए। वेरी गुड। तो ये कितने साल का प्रोजेक्ट था पहले मुझे एक बार बताओ? 12 इयर्स का, 12? आर यू श्योर? थर्टीन 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 एक साल, कोई बात नहीं, ठीक थर्टीन है एक, थर्टीन ठीक है ठीक। अरे थर्टीन भाई ठीक है अनन्या, कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है ठीक है। तो तुम्हारी तो आवाज बहुत तेज आ रही है एक्चुअली में तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बहुत तेज आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास 13 ईयर्स का चलो प्रोजेक्ट था, ठीक है, सर, कुछ 13 साल, सेटिंग में ठीक है, गड़बड़ हो 12 भी गई। बोल सकते हो, लेकिन 12 तब बोलना चाहिए कि ठीक है एक साल में भी तुम सोच रहे हो कि एंजॉय कर लिया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? थर्टीन अच्छा, और ये बेसिकली देखा जाए तो किसने स्टार्ट किया था? अच्छा, 13 का बॉब भी एक सेकंड, कैन आई से न्यूटन। 1992 टू 2003 तक चला था, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के यस नाम बताए थे, ये सर, किसने कंडक्ट करवाया था, किसने कोऑर्डिनेट करवाया था? यूएस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एनर्जी, ऑफ और दूसरा वाला क्या था, एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल ऑफ, इंस्टीट्यूट क्या ये इंडिया का है नेशनल एनर्जी, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ? नहीं नहीं नहीं, तो ये, यूके हाँ, का। तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने ये अपना करवाया था। अच्छा, तो इन्होंने एक ही कंट्री को करा था या फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरी कंट्री की भी हेल्प लें? नहीं नहीं बहुत सारी कंट्रीज थी, फाइनेंशियल हाँ, क्यों? क्योंकि उससे दो फायदे हो रहे थे। क्या फायदा हो रहा और मतलब वो साइंटिफिक हेल्प था? ठीक है, करना, बिल्कुल। तो ये बेसिकली मेडिकल करवाया था। हाँ, तो ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये यूके ने किया था, वेलकम ट्रस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये यूके ने, लेकिन बाद में इन्होंने अदर कंट्रीज का भी सपोर्ट ले लिया। तो वो कंट्रीज कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था, जापान, फ्रांस, जापान और जर्मनी, जर्मनी। अच्छा भी चाइना का लेना चाहिए था, हाँ चाइना का लिया था, हाँ चाइना का भी लिया था क्योंकि यस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ये भी, ठीक है ना, इसलिए। फ्रांस का लिया था क्या? तो सर, इन यस कंट्रीज सर। ने मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प की जाएगी और नाम भी तो होगा। अच्छा, इसका मेन एम क्या था वैसे? एचजीपी का मेन एम क्या होना सीक्वेंस ऑफ चाहिए? डीएनए पता यस, किसी का लगाने भी डीएनए निकालो तुम्हें पता है इतने सारे सिक्वेंस होते हैं, याद है ना, 3.3 × 10^9 एक हैप्लॉइड के लिए नंबर, याद है, बेस का, पेयर। तो उन सबकी सिक्वेंस करनी है कि किसके यस बाद क्या आता सर। है। तो ये अपने आप में बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें इसमें ना बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं, किसी की किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो इसका मतलब, इसका मेन एम क्या है, कंप्लीट डीएनए सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब ह्यूमन डीएनए। तो कंप्लीट डीएनए की सिक्वेंसिंग करवानी है, कंप्लीट डीएनए मैंने तो सिक्वेंस। वैसे बोला था कि मैं क्लास नहीं लूंगी, मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ सर। क्या तुमने बोला था? तो मैंने मैसेज नहीं किया था आपको? मैंने देखा नहीं। अच्छा, अगर नहीं ले तो बताए थे पहले। मैंने चलो किया था कोई सर, बात नहीं, मैं कल एक्स्ट्रा की भी क्लास लूंगा, मतलब कल की भी लूंगा, सैटरडे को भी लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी मैं बस, तो ये एचजीपी खत्म हो जाए, ठीक है, बहुत छोटा सा है। तो ये मेरे पास सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है अब? हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं सर कुछ अच्छा होगा, अच्छा स्टेल नहीं वाले, नहीं ठीक सर है कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मान लो, ठीक है, नहीं यहाँ पे मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। अब वो फैक्ट क्या है, देखो सारे बच्चों ध्यान सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक एक नंबर दो दो नंबर के और नीट में काफी ज्यादा आ जाता है। तो इसका फैक्ट क्या है मेरे पास, सारे बच्चों ध्यान सुनना। सबसे पहली बात, तुम्हें पता है हमारे डीएनए के अंदर हैप्लॉइड की अगर बात करते हो तो कितने बेस पेयर होते हैं? डीएनए का मतलब एक हमारा जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस सर। पेयर होते हैं, यार लिखवाया था ना सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था, थ्री हाँ इंटू थ्री 10^9 भूल थ्री गए, पॉइंट थ्री इंटू जब टेन अल्फा माइनस फेज एस के रेशियो को लाए, 5 174 लिखवाया इलेवन था। तो इतने होते हैं हमारे पास बेस पेयर। तुम्हें पता है एक बेस पेयर को सिक्वेंस करने का खर्चा कितना था? तो एक बेस पेयर खर्च करने को सिक्वेंस करने के लिए US$3 खर्च हो रहा था। तो US$3 पर बेस पेयर खर्च हो रहा था। तो जरा बताना एक्चुअली में है कितने, 3 × 3 × 10^9 बेस पेयर। तो जरा बताना कितना पैसा खर्च हो जाना चाहिए। कैलकुलेट करना तो अब जब, पड़ेगा। तो इसका मतलब अब इसको मल्टीप्लाई कर दू डायरेक्टली क्योंकि ये इतने बेस पेयर हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो पता है कितना पैसा खर्च हुआ, US$9 बिलियन, 9 बिलियन रुपीज खर्च हुआ मेरे पास। अब मुझे बताओ, US$9 बिलियन अपने आप में बहुत छोटा अमाउंट है या अपने आप में बहुत मेगा अमाउंट है? बहुत बड़ा है ये सर, इतना ये अमाउंट है कि आराम से किसी कंट्री की इकोनॉमी को चेंज कर सकती है ये इतना अमाउंट, किसी भी देश को समृद्ध बना सकता है इतना अमाउंट अगर आ जाए कहीं पे इंडिया तो। को भी। ऑफ कोर्स मैम,
9 बिलियन, ठीक है, यूएस, वो भी हमारा, हमारे हमारे 75, वहां का $1 है, तो ये 9 बिलियन है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, यूएस $9 बिलियन है। अब देखो, अब ना इसने एक और चीज बताई, तो अब एक चीज हमारे पास यहाँ पे क्या आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जितना भी तुम ये डाटा कर रहे हो, ठीक है, तो जितना भी तुम ये डाटा कर रहे होगे, तो उस डाटा को जैसे अब डीएनए का सीक्वेंस कर रहे हो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आने के लिए तुम्हें उसको हाई कंप्यूटर या उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। अगर तुम उसे बुक लिखने के लिए बैठ जाओगे, तो बताओ बुक लिख पाओगे? मतलब बुक को लिखना पड़ेगा तो तुम्हें ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा या बहुत कम? बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा ना यार। यस, ज्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपनी, इसकी पता है कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन लगेगी इस सीक्वेंस को जब स्टोर किया गया? अगर तुम जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकल निकल के आ रही है, तो जब तुम इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करोगे टाइपिंग के उसमें, मतलब प्रिंटेड बुक्स के अंदर, ठीक है, टाइप्ड फॉर्म में अगर करोगे, तो तुम्हें पता है कितने वो लग जाएंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बुक है, ठीक है, और हर एक एक जो तुम्हारे पास बुक है बहुत सारी, उस बुक के अंदर कितने लेटर है? अच्छा देखो, अब उसकी जो बुक है ना वाली, उस बुक के अंदर कितने पेजेस है मेरे पास? 1000 पेजेस है, ठीक है ना, 1000 पेजेस एक बुक के अंदर। और उस एक पेज के अंदर कितने, एक पेजेस के अंदर कितने वर्ड है? 1000 वर्ड्स। तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक बुक है, उस हाँ उस बुक के अंदर कितने पेज है? 1000 पेजेस, और उसके एक पेज के अंदर कितने वर्ड है? 1000 पेजेस। तो पता है ऐसी कितनी बुक रिक्वायर्ड हुई थी, इतना कंटेंट निकल के आया था? 3300 बुक्स लगी थी उसमें, फिर ऐसी उस इतना इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। तो इसकी प्रोजेक्ट की जो, जब भाई तुम कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, उसकी फाइल बनाते हो, तो इसकी जब ये प्रोजेक्ट हुआ, तो पता है इसकी इसकी फाइल कितनी बड़ी थी? इसकी फाइल नहीं, इसका फाइल का भी फाइल था पूरा, क्या 3300 बुक। 3300 बुक का मतलब समझते हो? ये एक तरह से कहां पे उस स्टोरेज का तो पूरा कारखाना बन गया होगा। 3300 बुक को पढ़ेगा कौन? तुम तो एक ही बुक नहीं पढ़ पाते, उसमें ही फेल हो जाते हो, तो 3300 बुक तो पूछो ही मत। तो इसका मतलब एक प्रोजेक्ट ही 3300 बुक का है, फेल तो नहीं होते, तो ऐसे था जुमला, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 3300 बुक है, लेकिन एक बुक के अंदर कितने पेजेस होते हैं? 1000। और उस एक 1000 पेजेस होते एक बुक के अंदर, और एक पेज के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए? 1000। तो ये बताओ, ये अपने आप को ये क्या दिखा रहा चाह रहा है, कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा निकल के आई थी या बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थे ठीक ठाक? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन। क्या इसे तुम्हारे 12th के सिलेबस में डाल दे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन? नहीं 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 तो यही बस इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हें बस इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ, वही तुम चाहते हो, यही तो वादा कि 12th में बायोलॉजी के लिए। हाँ बोलो बोलो, सैटरडे को वो बता दूंगा, अभी बता दूंगा, अभी सब डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो, अब मेरे पास क्या है, एचजीपी के ना कुछ गोल्स थे, मतलब एचजीपी स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम किसी कंट्री के पास जाओगे कि भैया भैया हमारी हेल्प करो, क्यों हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह देंगे हाँ अच्छा ठीक है इतना अमाउंट लो, हम हेल्प करेंगे, ऐसा होता है क्या? अगर कॉलेज में भी तुम या स्कूल में कोई फेस्ट करवाते हो, तो स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं कंपनीज में, कि हम आपका प्रचार करेंगे, हम आपके बैनर वैनर लगाएंगे, हमें इतना पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो बताओ वो तुमसे बस तुम्हारे बोलने पे यकीन कर लेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कोई सरकार थोड़ी है जो तुम्हारे बोलने पे यकीन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रूफ देना पड़ता है, अब जनता नहीं मांगती वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे, तो प्रूफ देना पड़ता है। तो ऐसी इन्होंने भी अपने कुछ गोल सेट किए। अब सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो तुम्हें पता ही है, कहना ही से देखो जीनोम को हमें सीक्वेंस करना है। मुझे एक बात बताओ, डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन जीन होता है, यस और नो? Yes or no? Yes, sir. तो तुम्हारी बॉडी में तुमको पता है कि तुम्हारे जीन जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो इनका एक एम ये भी था, जितने भी जीन तुम्हारी बॉडी में है उनके फंक्शन को पता करना, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन एंड देयर फंक्शन ऑल्सो। तो तुम्हारी बॉडी में कितने जीन है
और उन जीन्स का क्या फंक्शन उन सबको पता करने का क्या गोल था, तो ये एचजीपी का एक गोल था, ठीक है। अच्छा ऑफ कोर्स सीक्वेंसिंग भी तो एक मेन था कि किसके बाद कौन सा आता है, किसके बाद क्या आता है, राइट। तो कहना है इसे सीक्वेंसिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर, भाई 3 बिलियन बेस पेयर ही तो है हमारे पास। यस सर, यस सर। तो ये मेरे पास इतने बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस करना था। अच्छा तीसरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है इसे निकालने के बाद फेंक देंगे या स्टोर करके रखेंगे? स्टोर करके रखेंगे, वो भी एक डाटा बेस होता है ना, हर चीज का डाटा बेस होता है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन का भी अपने आप में एक डाटा बेस होगा कुछ ना कुछ। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन, बोलो, डाटाबेस। यस, तो डाटाबेस के अंदर हमें ये स्टोर करके रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जो ये मेरे पास जैसे ये टेक्नोलॉजी तुमने डेवलप करी है, राइट, तो इस टेक्नोलॉजी को तुम सिर्फ अपनी कंट्री तक रखोगे या हर कंट्री में पहुंचाने की कोशिश करोगे ताकि वहां से भी पैसा है बाद में जब तुम कुछ डेवलप कर लोगे तो? हर कंट्री तक। भाई कोई भी डिस्कवरी है तो तुम उसे सिर्फ अपने एरिया में रखोगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ हम यूज करेंगे, किसी को देंगे नहीं, तो तुमने कराई क्यों, तुम्हें फायदा ही नहीं होगा इस चीज का, नहीं आया समझ? जैसे जूम ऐप है, ठीक है, या कोई भी ऐप है मान लो, तो अगर वो कुछ भी ऐप बनाते हैं, जैसे टिकटॉक था, तो टिकटॉक सिर्फ उन्होंने अपने एरिया में रहने दिया या पूरे उसमें फैला दिया वर्ल्ड में? फैला दिया सर, फैला दिया, तभी तो उनका अमाउंट ज्यादा बढ़ा, तभी तो उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो यही तो होता है, जो भी चीज तुम कर रहे हो तो बाद में तुम उसे फैलाओगे। तो कहना ही से जो भी तुम्हें पता लगेगा डीएनए के बारे में, किससे क्या होता है, बीमारी ठीक हो रही है, कुछ भी है, तो उस टेक्नोलॉजी को तुम्हें अलग अलग कंट्रीज में फैलाना पड़ेगा, नहीं फैलाना पड़ेगा? तो कहना ही से ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज टू दी अदर सेक्टर्स, अदर अदर इंडस्ट्री में भेजोगे, हॉस्पिटल्स में बताओगे, डॉक्टर के सिलेबस जैसे एमबीबीएस के सिलेबस में ऐड करवाओगे ताकि वो डॉक्टर उससे कुछ सीखे, राइट। और लास्ट देखो, लास्ट वाला ऐसे थोड़ा बकवास है, लास्ट पॉइंट वैसे बकवास जैसा ही होता है। जैसे मुझे बताओ, तुम डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तुम्हें एक शपथ दिलवाई जाती है कि तुम जो भी कुछ करोगे अपने देश की बेहतरी के लिए करोगे, कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं करोगे, और तुम जो भी काम करोगे वो इथिकल और लीगल होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, अब तुमने एक ऐसी मकड़ी बना दी जो एक बार इन्फेक्ट करती है वो नुकसान कर जाती है, जैसे कोरोना है, तुम लैब में कुछ कर रहे थे वहां से ये लीक हो गया, तो बताओ उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो लीगल पर्सपेक्टिव को तोड़ा या नहीं तोड़ा है? कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया है तो अमेरिका, रशिया, इंडिया ये सब चाइना की तरफ आंख दिखा रहे, नहीं दिखा रहे? दिखा रही है। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये एक मानव के बेकार तरीके से यूज हो रहा है ना, ये कोई अच्छे वेलफेयर के लिए तो यूज नहीं हुआ। तो इसी के लिए एक लास्ट में बोला जाता है, एड्रेस करना है हमें किस चीज को, तो एड्रेस द इथिकल इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, इसे बोलते हैं ELSI। तुम कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो तुम्हें उस क्या करना है, मानव के बेहतरी के लिए करना है या मानव के बेहतरी को और खराब कर देना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कर देना है तो खराब, इसी को बोलते हैं ELSI इश्यूज, ठीक है। तो ELSI जरूर होना चाहिए, जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उससे कोई खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने एक मशीन बनाई है और तुमने देखा कि ये मशीन ना पॉल्यूशन फैलाती है बहुत ज्यादा, ये बहुत अच्छी है, तो क्या वो ELSI हुआ? और तुम ऐसी मशीन क्यों बनाओगे जो पोल्यूशन मचाएगी? लेकिन अब क्या करें, हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है ना, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो हमें क्या करना है, हमें पोल्यूशन को हटाने वाली मशीन बननी चाहिए, पोल्यूशन क्रिएट करने वाली बनानी चाहिए, हटाने वाली। मान लो जैसे ये विदुषी है, विदुषी ने एक मशीन बनाई कि एक मकड़ी डालो और 1000 मकड़ियां पाओ, तो क्या ये मानव की बेहतरी के लिए अच्छी है? नहीं ना, कि एक मकड़ी ऊपर से डालेंगे तो यहाँ से 1000 मकड़ियां निकल के आएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ELSI को इसने डिलीट नहीं किया है। इज दैट क्लियर विदुषी? तो ये सब क्या है, किसके गोल्स है? ये सब एचजीपी के मेजर मेजर गोल्स है। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर, ठीक है। अब ऐसी ना इसकी मेथोडोलॉजी होते हैं, बस उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मेथोडोलॉजी क्या होते हैं मेरे पास, इन्होंने बोला कि एक अप्रोच थी इनकी एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग का मतलब तुम्हें एक पूरे डीएनए में उन जीन्स को पहचानना है जो एमआरएनए बन जाए। मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, डीएनए का कुछ पोर्शन होता है जो एमआरएनए बनता है, तो तुम्हें क्या करना है उस डीएनए से ये चीज भी पहचाननी है कि कौन सा वाला एमआरएनए बन जाता है, क्योंकि जब एमआरएनए बन जाएगा तो फिर आगे जाके प्रोटीन भी बन जाएगा। तो तुम्हें उस डीएनए में से क्या चीज पहचाननी है? तो एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग, तो तुम्हें डीएनए का वो कंटेंट पहचानना है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, mRNA। और mRNA अगर बन जाएगा तो आगे जाके वो क्या बना लेगा, प्रोटीन। तो पता लग जाएगा ना क्या होने वाला है। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर, ठीक है। और ये पहली अप्रोच थी, ये पहचानना है। सेकंड अप्रोच क्या थी हमारे पास, सीक्वेंस एनोटेशन। अच्छा सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है, मुझे आप बताओ, डीएनए के अंदर जितने भी बेस पेयर है क्या वो सारे के सारे अच्छे ही होते हैं?
नहीं नहीं होते, उसमें से कुछ कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब कुछ तो आगे जाके कन्वर्ट होंगे, और कुछ आगे जाके जो जो बस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। जैसे मान लो ये एक डीएनए है, ये वाला तो कोड कर जाएगा आगे बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये कोड होता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन कोडिंग हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब कहना ही से कोडिंग वाला और नॉन कोडिंग वाले सिक्वेंस को पहचानना। जैसे याद है ना मैंने एक ये भी बताया था कि मेरे पास क्या होता है mRNA के ऊपर स्टॉप कोडोन भी होते हैं, तो स्टॉप कोडोन कोडिंग होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं? नॉन नॉन कोडिंग कोडिंग होते हैं, अरे नॉन कोडिंग होते हैं ना, रोकते हैं वो प्रोसेस को, हाँ याद आया? योग, हाँ यूआ, यूआ, यूए, हाँ यूजीए, याद आया यस कुछ? सर हाँ हाँ सर यूएजी, तो ये कोडिंग यस थोड़ी हुआ, सर नॉन कोडिंग हुआ। क्या यूएजी, यूए, ये कोई प्रोटीन को कोड करता है? हाँ सर नहीं करता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नो सिक्वेंस नो सर एनोटेशन। इज दैट क्लियर? यस सर अच्छा, इसी चीज का ना इन्होंने ना बहुत सारे होस्ट का यूज किया था, बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज किया, ईस्ट का यूज किया। तो उसमें कोई भी, जैसे मान लो किसी का फंक्शन पता करना है, जैसे मान लो डीएनए का एक जीन तुम्हें मिला, अब इस जीन को तुमने चूहे के अंदर डाल दिया, अब तुमने देखा चूहे का बिहेवियर कैसा हो रहा है। मान लो चूहा उससे कूद रहा है थोड़े दिनों बाद, इसका और पहले वो नहीं कूद रहा था, इसका मतलब जब तुमने उसकी बॉडी में एक नया डीएनए डाला, तो वो नया डीएनए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके कूदने के लिए। तो जंप उस जीन होने का के लिए फंक्शन कर पता चला, नहीं चला? मान लो पहले चूहे की आईज क्या थी, एकदम ब्लैक थी, अब गया तुमने उसके डीएनए डाला, अब उसकी आईज थोड़ी सी कैसी हो गई है, रेड रेड कलर की हो गई है। तो बताओ अब तुम्हें उस पर्टिकुलर डीएनए का फंक्शन पता लग गया, नहीं लग गया? गया तो इस तरीके से हम फंक्शन पता कर सकते हैं। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना करने में आसान नहीं होता है, ठीक है? तो इन्होंने बहुत सारे होस्ट का यूज किया, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म मतलब अपने डीएनए डाल डाल के देखे। तो वो क्या है मेरे पास, अब तुम्हें याद रखना है कौन कौन से वेक्टर यूज किए इसने। वेक्टर का मतलब जिससे हम डीएनए डालते हैं किसी की बॉडी में, तो उसे वेक्टर बोलते हैं। तो दो चीजें याद रखना, बैक और यैक। बोलो बैक यैक, बाकी उल्टा है सीधा मत सोचना कुछ करते हैं बैक बच्चों, ठीक है? यार बैक और यैक। तो बैक का मतलब क्या होता है मेरे पास, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आते हैं कि फुल फॉर्म फिल करो, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऐसी मेरे पास यैक का क्या मीनिंग होना चाहिए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, याद रहेगा? तो ये कॉमन सर होस्ट है जिससे हमने चीजों का यस फंक्शन सर पता करा है। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर अब इसी के बाद अब मेरे पास, अब देखो इतना सारा, अब 13 साल बीतने वाले हैं, ठीक है? 13 साल लगने, मतलब 10 साल हो गए, 10 साल में अब क्या होगा, अब कंट्रीज वेट कर रही है ना बहुत सारी, कि हमने इतना पैसा लगाया है तो अब कुछ तो रिजल्ट आने वाला होगा। अब बताओ इन लोगों की सरकार गिरने वाली होगी नहीं होगी, अगर इन्होंने कुछ ढंग से काम नहीं किया तो? तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा होगा, सक्सेसफुल फेलियर रहा होगा, या क्या रहा होगा, बताओ? रहा होगा सक्सेस अच्छा, तुम जरूर सक्सेसफुल रहा होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसे, एम आई हाँ राइट? देखो वही अच्छा, मान लो अगर कोई सर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा सकती है क्या? मतलब इस तरीके हाँ से प्रस्तुत करो जैसे बहुत बड़ा सर अचीवमेंट किया है तुमने। जैसे तुम कॉलेज लेवल पे जाओगे ना, तो कॉलेज लेवल पे तुम्हें प्रोजेक्ट करने को मिलते हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। बीटेक करोगे तो ऐसा होता है, और मेडिकल में भी होता होगा। तो बीटेक में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ, और जैसे मान लो थर्ड ईयर में आओगे, फोर्थ ईयर में आओगे ना, तो मेजर माइनर प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैंने तो खैर अच्छा वाला प्रोजेक्ट किया, मेरे तो रिसर्च पेपर ही पब्लिश हो रखा है, लेकिन जो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रखे हैं, तो उनका उन्होंने जो आपका उन्होंने कॉपी नहीं कॉपी नहीं कर सकते, पूरा पैनल होता है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ कंक्लूजन नहीं आया। तो जब प्रेजेंटेशन करने की बारी आई, तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट किया, और उन्होंने इतना सिद्धांत के साथ इसे प्रस्तुत किया, इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को लगा हो वाह, मतलब लोगों को लगना चाहिए था। लेकिन वो तो चलो, वो कोई पागल थोड़ी बैठे हैं प्रोफेसर, उनको कुछ भी बोल दोगे तुम, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन उन्होंने बड़े स्टाइल से बोला। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, उस कॉन्फिडेंस के भी तो नंबर मिलते हैं ना। अब भाई देखो अगर नेगेटिव पहले से होगा तो नंबर तो फिर भी कटने हैं, इससे अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल लो, क्या पता कॉन्फिडेंस से टीचर खुश हो जाए। नहीं समझ में आया? तो हाँ समझ इसीलिए आ गया तो तो टीचर इंप्रेस हाँ, नहीं नंबर लेते लेते नंबर मिलते हैं भाई। हाँ तो कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, अब 0 थोड़ी दे देंगे, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ तो काम किया ही है। अब रिजल्ट नहीं आया तो टीचर होता तब भी नहीं आता, ठीक है? प्रोजेक्ट कोई मजाक नहीं होता है, कुछ ठीक ना है? होने से अच्छा है कुछ हाँ हाँ तो है बिल्कुल बिल्कुल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है? अब देखो, तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहली बात तो इन्होंने ह्यूमन जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड निकाले। मतलब न्यूक्लियोटाइड का मतलब, तो मुझे एक बात बताओ, जो डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से तो बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं पूरा, फॉस्फेट, शुगर, 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 फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस। नहीं आया समझ में? तो आ गया इन्होंने सर अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3.1647 मिलियन, ये एक तरह से वही है जितना हमें पता है, 3 × 3, 3 × 3, 10 की पावर 9, ये वही वैल्यू है, लेकिन ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है भाई, एकदम एग्जैक्ट तो तब भी नहीं पता लग सकता ना,
3.3 × 10 की 9 तो हमने कैलकुलेट करी है, लेकिन ये डीएनए के अंदर सिर्फ इतना ही काउंट कर पाए, तो बताओ ये वैल्यू उसके आसपास है या नहीं हमारी रियल वैल्यू से? पास में है ना भाई, पॉइंट को इधर कर दोगे तो बिलियन हो जाएगा, तो पास में तो है ही हमारा, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी बात अच्छी है भाई, एग्जैक्ट तो कभी नहीं निकाल सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है हमारी बॉडी में कितने जीन होने चाहिए? अच्छा देखो जीन तो है, लेकिन हमारी बॉडी में तो तुम्हें पता है कि जीन के अंदर बेस, जीन के अंदर क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक जीन के अंदर कितने बेस पेयर होने चाहिए? डीएनए है, ये बेस पेयर हैं इतने सारे, एक जीन ये भी हो सकता है, एक जीन ये भी हो सकता है, एक जीन ये भी हो सकता है, तो बताओ ऑन एन एवरेज एक जीन के अंदर कितने बेस पेयर होने चाहिए, क्या लगता है? इन्होंने क्या पता करा होगा? एक जीन के अंदर कितने बेस पेयर होने चाहिए अराउंड एवरेज? मेरे को तो 3.3 लग रहा है। 3.3 कैसे हो सकता है? 3.3 जीन कभी पॉइंट में कैसे हो सकते हैं? नंबर कोई सर, देखो 3000 बेसिस, ठीक है, तो एक जीन का जो साइज होता है वो अराउंड कितना हो सकता है? 3000। भाई हमारी बॉडी में इतने सारे वो हैं, 3 × 3 × 10^9, तो उसमें 3000 को ज्यादा थोड़ी है, ठीक है? अच्छा 200 किसका था? वो तो न्यूक्लियोसोम था, हाँ। वो तो अलग चीज थी, ठीक है? अच्छा अब इनमें से एक ना मेरे पास लार्जेस्ट जीन होता है, ध्यान रखना, एक सबसे बड़ा जीन, मैंने एवरेज बताया ना ये तो 3000, एक मेरा सबसे बड़ा जीन होता है, लार्जेस्ट जीन, उस जीन का नाम रखा हुआ है डिस्ट्रोफिन, वो एक्चुअली हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट आसान नहीं है, तो उसके लिए बेस पेयर ज्यादा लगने चाहिए या कम? तो एक लौता डिस्ट्रोफिन ऐसा जीन है जिसके अंदर कितने जीन होते हैं? 2.4 मिलियन बेसिस। 2.4 मिलियन बेसिस, ये अपने आप में बड़ी बात है छोटी बात है? एक अकेला जीन बहुत बड़ी बात है, एक अकेला जीन 2.4 मिलियन बेसिस को कंटेन करता है, बताओ डिस्ट्रोफिन, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ जीन जो है हमारी बॉडी में वो कितने होंगे अराउंड, क्या लगता है टोटल नंबर ऑफ जीन? नंबर ऑफ एक डीएनए है हमारी बॉडी में, तो उस डीएनए पे टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होने चाहिए अप्रोक्सीमेट, बताओ बताओ? अरे कुछ तो सोचो, 100, 200, 300 कितने होने चाहिए टोटल जीन? एवरेज बताओ बीच में, फिर हम बताएंगे। हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें कुछ सोचना है। चलो मैं बता देता हूँ, 30,000, ठीक है? हमारी बॉडी, हमारी बॉडी में, हमारी 30,000, हमारी बॉडी में टोटल जो जीन का नंबर है वो अराउंड कितना है? 30,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जितने भी हो जैसे अनन्या, सुकृति, विदुषी, मैं, तो बताओ हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, अब बताओ कितना परसेंट हमारी बॉडी का जो डीएनए वो सेम होगा, कितना परसेंट, कितनी परसेंट सिमिलैरिटी होगी हमारे अंदर अगर डीएनए? 33.33 सिमिलैरिटी है, मतलब फेल होने वाली हरकत है, ये नंबर तो याद ही रहता है वैसे भी, बचाता है ना फेल होने से, पास होने से बचाता है, वेरी गुड, यही उम्मीद थी। हाँ सिमिलैरिटी होगी ही नहीं ना जहाँ तक, क्या सिमिलैरिटी होगी ही नहीं, वेरी गुड, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि तुम अलग हो मैं अलग हूँ। अरे तो मेरे फीमेल से क्या पूरा ही अलग हो जाता है क्या? आंख तुम्हारे पास है, मेरे पास आंख नहीं है, नाक तुम्हारे पास है, मेरे पास नाक नहीं है, तुम्हारे पास बाल है, मेरे पास बाल नहीं है, क्या तुम सबके पास बाल नहीं है? तो इतनी सिमिलैरिटी है तुम, अच्छा गैस तो करो कितना परसेंट सिमिलैरिटी होता है कि मैं दूसरे वुमेन से, सिमिलैरिटी 30% सिमिलर होता है, ठीक है, वेरी गुड। तुम्हें क्या लगता है अनन्या? मुझे लगता है 75% बोला नहीं, मुझे लगता है 50% या 60%, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ठीक है, इतना बोल दिया पक्का, मेरा 30% दस कदम, दस कदम खेल रहे हैं, दस कदम। सर आप डीएनए का पूछ रहे हो या पूरा मतलब? अरे डीएनए का, जीनोम का पूछ रहे हैं ना, पूरा डीएनए के अंदर जो होता है कंटेंट कितना परसेंट सिमिलर होता होगा, सिक्वेंस नहीं पूछ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड पूछ रहे हैं, 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सेम होते हैं मैडम। मैंने तभी 75 बोला था। हाँ तो 10-10 का तब भी नहीं जीत पाए आप, नजदीक तो ये सेम होते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम सबके अंदर सिर्फ पैसे उसी को ही मिलेंगे, पर 0.1 का डिफरेंस है, सिर्फ 0.1 का, बाकी सब मुझे बताओ तुम्हारे पास डाइजेस्ट सिस्टम है सबके पास है या नहीं है? सबके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं?
सबके पास लीवर है, सबके पास माउथ है, सबके पास आईज है, सबके पास आईब्रोज है, सबके पास हेयर है, सबके पास नेल्स है, किसी कोई है किसी पास नेल्स नहीं है, ठीक है? तो ये सिमिलैरिटीज है या नहीं भाई? पूरी तो सिमिलैरिटी है, बस अलग अलग क्या है, बस किसी की थिंकिंग अलग हो सकती है, किसी का चेहरा थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो ये क्या है, तो 90% 99% नहीं हुआ क्या? 0.1 का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है? यस हाँ ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में कितने परसेंट, जैसे जीन कितने, मेरे पास 30,000 है, ठीक है? तो कितने परसेंट जीन का फंक्शन हम पता कर ही नहीं पाए होंगे, ये हमारा फेलियर है एचजीपी का। मत सोचो, जब इनकी इनकी बात आई होगी तो कितने, क्या सबका फंक्शन उन्होंने पता कर लिया होगा या नहीं कर पाए होंगे कुछ का, या सबका ही नहीं पता कर पाए? क्या लगता है? नहीं, कुछ का पता नहीं कर पाए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कितनों का नहीं पता कर पाए होंगे, कितने परसेंट का नहीं कर पाए होंगे? कितना? 0.1%। अच्छा, 0.1% का हम पता नहीं कर पाए, तो ये तो बचा ही क्या फिर, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट कर ही लिया तुमने। वेरी गुड। अच्छा 40, ओके। सुकृति तुम्हें क्या लगता है कितने परसेंट जीन का फंक्शन हम पता नहीं कर पाए होंगे? 10% 13 साल में हम 10% का पता नहीं कर पाए, ठीक है? सुकृति वेरी गुड। 50% जीन का फंक्शन हम पता कर ही नहीं पाए कि क्या फंक्शन है, ठीक है? तो इनका 50% जीन का क्या, सिर्फ 50% जीन का हमें फंक्शन पता लगा, बाकी का हमें पता लग ही नहीं पाया, ठीक है? मैं बहुत क्लोज थी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है, ठीक है, वो एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए के बाद वो बॉडी में प्रोटीन बनाता है, सबको पता है। Yes, अब बताओ कितना परसेंट जीनोम, कितना परसेंट डीएनए का वो है जो प्रोटीन बना लेता होगा, कितना परसेंट, कितना परसेंट तुम्हारी डीएनए का है, कितना परसेंट डीएनए का कंटेंट है जो तुम्हारी बॉडी में आगे प्रोटीन बना देते, बड़ा है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। यस सर। तो डीएनए का वो कितना परसेंट है जो प्रोटीन बना लेता होगा, क्या लगता है? 30%, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है अनन्या, कितना परसेंट तुम्हारी बॉडी में जो डीएनए है वो प्रोटीन बना लेता होगा, तुम्हारी बॉडी में जो प्रोटीन है? कुछ तो वो होते ना नॉन कोडिंग वाले, वो तो बनाते ही नहीं। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, सोचो। 30, ठीक है? तो ध्यान रखना, वेरी गुड, बहुत अच्छा गेस कर रहे हो तुम सब लोग। तो लेस देन क्या लिखूं मैं यहाँ पे, लेस देन 2% ओनली, तो सिर्फ 2% से कम पोर्शन ही हमारे पास प्रोटीन बना पाता है, ठीक है? हर चीज हर मोर्चे पे फेल, वेरी गुड। तो हमारे डीएनए का 2% से कम हिस्सा ही सिर्फ प्रोटीन बना पाता है, बाकी का हिस्सा कुछ और कुछ अलग ही फंक्शन, ठीक है? तो अगर बायोलॉजी का अगर 10 कदम हो गया तो आई एम सॉरी, पहले एक सवाल पे इस्तीफा दे देना, वो सबसे अच्छा बढ़िया है, ठीक है? कितना समय तो भाई हमें नहीं पता, समझ में आने का है, चुप हो जाओ, थप्पड़ मारो से कौन आगे, ठीक है? अच्छा मुझे बात बताओ, अब हमारे पास कितने क्रोमोसोम है टोटल, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर है ना, तो ऐसी तो इनके नंबर होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इसी तरीके से, तो ऐसे नहीं, हाँ 46 हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है ना, क्रोमोसोम 1 याद रखना, इस पे मेरे पास कितने जीन होते हैं, 2, 9, 6, 8 जीन होता है, ये याद करने वाला पोर्शन है, 2, 9, 6, 8 जीन्स। क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, जीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है इसमें कितने जीन होते हैं, 2, 9, 8 जीन, तो ये मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम जीन है। और सबसे कम जो होता है, ऐसी मेरे पास एक वाई क्रोमोसोम होता है जो मेल के पास होता है, ठीक है? तो मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम पे मिनिमम जीन होते हैं, 231 जीन, ठीक है? तो क्रोमोसोम 1 पे मैक्सिमम जीन होते हैं क्रोमोसोम, और जो वाई वाला क्रोमोसोम होता है जो मेल के लिए होता है, उसमें सिर्फ 231 जीन्स होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस सर। तो इसमें किसी को कोई डाउट है एचजीपी के अंदर? तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, इन्होंने अलग तरीके से चीजों का यूज करना सीखा था। तो ये चैप्टर कितना बड़ा है? यस कितना बड़ा? एनी डाउट
बस बस अब चैप्टर खत्म हो गया वाला, बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इसका मतलब अगर मैं ये मेरे पास उपलब्धियां हैं जो अभी तुम देख रहे हो सामने, ठीक है, कंक्लूजन है एक तरह से, इसको बोलते हैं साइलेंट फीचर्स जो हम रिजल्ट निकाल के लाए, ठीक है ना। अच्छा यहीं से साइलेंट फीचर स्टार्ट हो गया है, लिखा हुआ है ऊपर। हाँ ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, साइलेंट फीचर्स, ठीक है ठीक है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो मेरे को देखना। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो रिजल्ट है ये एचजीपी का 13 साल प्रोजेक्ट का रिजल्ट है ये। अच्छा देखो, हम इतनी सारी बुकों का ज्ञान तो तुम्हें नहीं दे सकते, इतनी सारी बुक पढ़ी थी ना तुमने, तो इतनी सारी बुक तो इसका आपस हमने एक ऊपर ऊपर से पढ़ा है कि क्या ये एचजीपी था। अब 13 साल लगे हैं, इतना सारा पैसा खर्च हुआ है, तो कुछ तो कंटेंट पढ़ना चाहिए ना तुम लोगों को भी। इतना सारा पैसा खर्च हुआ है, 10 साल से कोर्स में आ रही है, तो भाई पैसे का यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए कि देखो इतना काम किया गया, साइंटिस्टों ने इतनी चीजें भी की है, ठीक है। तो याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास है एचजीपी, स्लाइड ऊपर कर दूं? हाँ हाँ मैं कर दूं। कितना ऊपर बता देना, तो वो बुक्स वाला वहां पे था। बस बस बस, तो ये फैक्ट है इसके बारे में कुछ। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये एचजीपी हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। तो एचजीपी अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट था या माइनर प्रोजेक्ट था? मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो अपना, अच्छा मुझे एक ना, मेरे पास एक ना साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेक जेफरीज, ठीक है, क्या नाम था उसका, एलेक जेफरीज। तो उसने क्या करा, वो ना एक्चुअली देख रहा था कि एक्चुअली वो ना किसी चीज पे काम कर रहा था, तो किसी टॉपिक पे वो कुछ डिजीज के बारे में देख रहा था। तो उसने एक चीज नोटिस करी कि हम चाहे, मतलब उसने जब अपना ये चीज देखी तो उसने एक चीज डिस्कवर करी कि हम फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग जो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए स्पेसिफिक होती है, वो चीजें इसने हमें करके दिखाई। तो उसके लिए ना मेरे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आई गेस तुम सब लोगों ने सुना ही होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हर किसी इंसान का जो, जैसे फिंगरप्रिंटिंग करते, जैसे मान लो बेबी है, किसी ने कहा कि मेरा बेबी चेंज हो गया है, तो उसका बेबी चेंज हो गया तो उसके लिए क्या कहते हैं कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवानी पड़ेगी। यस सर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो उसके पेरेंट का सैंपल लिया जाएगा, बेबी का लिया जाएगा, और अगर वो मैच कर गया तो उसके बाद हम कह देंगे कि हाँ इनके, इसका पेरेंट यही है। नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है, तो इसके लिए पूरी मशीन होती है, पूरा पूरा एक्चुअली जो देखो हर किसी के डीएनए में ना एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है, और जो बार बार रिपीट होता है। जैसे मान लो मैंने बोला ATGCGCC, तो ये GCC बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या बोलना है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो हमारे पास ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या, कि मेरे पास जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले बात किसने दी है हमको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी है, एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज अभी बताना साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का। तो हमारे पास ये एलेक जेफरीज आए थे, तो एलेक जेफरीज ने हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन क्या ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? ये एक एक डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे जो इनहेरिटेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तभी वहां पे क्या दे दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हर किसी के डीएनए में एक पर्टिकुलर पोर्शन क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। अरे देखो हाँ, VNTR, उस VNTR को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो है मेरे पास, इसका मतलब यही, ये तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बेसिक वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। तो देखो ये VNTR ही बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में, तो अभी तुम्हें याद रखना है ईयरशा। सारे बच्चे बोले ईयरशा, जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है, ईयरशा। ये टेक्निक है कैसे हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। सारे बच्चे बोले ईयरशा, ईयरशा, ईयरशा। ई का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सारे बच्चे बोले एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ए का मतलब क्या होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्पलीफिकेशन बोलो सारे बच्चे,
एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। क्या सर? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। एस का मतलब होता है मेरे पास सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए। सर कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोले जा रही हूँ बस। सेपरेशन ऑफ डीएनए, साउदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन और एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, खाओ पियो अभी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी क्लास कल भी लूंगा है। हाँ हाँ, कल है, बता दूंगा टाइमिंग। सर शाम को मत रखना सर। क्यों, कहीं जा रहे हो? 5 बजे सर, 5 बजे लग रहा है सर, मेरे को नीचे जाना होता है सर। अच्छा सर, सर वो हमारी मेजोरिटी हो गई रिटन टेस्ट पे। ठीक है चलो, रिटन टेस्ट ले लेंगे फिर। ठीक है, रिटन टेस्ट है फिर। ठीक है चलो, ठीक है। क्या शाम को ना टाइम देखना सर? टाइम बताओ, तुम खुद ही बता देना, उस टाइम पे ले लेंगे। ठीक है चलो, 5-8 बजे ले लो। ठीक है चलो, ठीक है।